करने वाले हैं आपके क्लास सेवन का चैप्टर नंबर 3 कठपुतली। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ कठपुतली के बारे में, कठपुतली गुस्से से बोली, यानी कठपुतली जो अपन देखते हैं ना पुराने, जब है ना टीवी नहीं होते थे तो लोग एंटरटेनमेंट के लिए दूसरी जगह जाते थे, तो है ना वो है ना कठपुतली के खेल दिखाते थे, उनमें धागे बंधे होते थे और है ना उनको ऐसे अपनी उंगलियों से चला चला के उनके पैर चलाते करते, तो है ना अब अपन को उनके बारे में है। तो कठपुतली गुस्से से बोली, कठपुतली है वो गुस्से से बोलती है, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आ गए, मतलब उसके हाथ पैर सबको चलाने के लिए खेल दिखाने के लिए सब उंगलियों में बांध, मतलब हाथ पैर उसमें सब में धागे बांधते उसके, इन्हें तोड़ दो। तो कठपुतली बोलती है ना तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मतलब वो चाहती है कि उन्हें ऐसे ही ऐसे यूँ नहीं टिकना, इन धागों से नहीं टिकना पड़े, वो भी अपने पैरों पर खड़े हो पाए। अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। सुनकर बोले और कठपुतलियाँ, मतलब दूसरी कठपुतलियाँ बोली कि हाँ, वो भी बोलते हैं हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए, मतलब बहुत दिन हो गए हमने हमारे मन का कुछ नहीं किया, बस ऐसे हमको चलाते रहते, हम भी हमारे अंदर भी ये भाव था लेकिन अब हम प्रकट कर रहे हैं, पहले हम कह नहीं रहते। मगर जो पहली कठपुतली थी जिसने ये सब कहा करा, पहली कठपुतली सोचने लगी। अब उसने सोचा ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी, अब वो यही सोच रही कि मेरी, मतलब चलो मान लो आप कठपुतली क्या ना ये धागे सारे हटा दो तो क्या वो खड़ी रह पाएगी, वो तो एक गुड़िया की तरह रह जाएगी और फिर खुद ही गिर जाएगी। तो इसमें स्वतंत्रता के बारे में भी कहें और जो हो सकता है उसके बारे में भी कहें। तो इसी के साथ हमारे ये छोटी सी पोइम या कविता बोल लो हिंदी में, जो आपको स्वतंत्रता के बारे में बताती है कि सबको स्वतंत्रता प्यारी होती है, तो आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब